अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मैं मछली पका रही हूँ, सालन वाली। सर्दी बहुत है यहाँ पे और मछली बना रही हूँ। ये मछली है, देख सकते हैं आप, पैम्पिनो मछली है। ये पैम्पिनो खिलाती है यहाँ पे, आप देख सकते हैं। मैं इसके सर के साथ जो इसका हेड है वो भी डालूँगी, इससे बहुत अच्छा ज़ायक़ा आता है। तो मैं इसके साथ ही पकाऊँगी ये, है ना? ठीक है। ये हमने मछली धो के नमक और सिरके में इसको थोड़ थोड़ देर छोड़ दिया था, फिर इसको हमने धो के इसको छलनी में रख दिया। अब हम जो हैं इसमें ऑयल गरम किया हमने, और इसके बाद हम इसमें प्याज डाल के थोड़ा सा फिर हम इसको निकाल देंगे। मछली की क्वांटिटी क्योंकि ज़्यादा है तो हम थोड़ी प्याज भी ज़्यादा लेंगे ताकि हमारा सालन सही बने। अब ये मछली थोड़ी सी हल्का सा पिंक कलर की हो जाएगी तो फिर हम इसको निकाल देंगे। हम इसको गुलाबी करेंगे, फिर इसको निकाल के फिर इसको हम इसको पीस लेंगे। और इसके बाद हम फिर ये दाना मेथी डालेंगे, इसमें दाना मेथी का भगार लगाएंगे, इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है ना। और ये कड़ी पत्ता है ये भी डालेंगे हम, और बाकी वही मसाले होंगे, नमक और मिर्च। जब मैं डालूँगी तो मैं आपको बताती भी रहूँगी। आप लोग अपने कमेंट्स से बताएं कि आपको हमारी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं, और आप क्या मुझसे बनवाना चाह रहे हैं तो वो भी आप बताएं। कोई रेसिपी आपको बनवानी है जो आपको बहुत अच्छी लगती है और आप चाह रहे हो कि वो मैं आपका नाम भी लेके और वो रेसिपी बनाऊंगी, मैं आपका नाम भी लूंगी और रेसिपी बनाऊंगी उसके साथ। आप हमें बताएं कि हम आपको किस तरह की वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं। वीडियो पसंद आए तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, हमें लाइक कर दें, शेयर कर लें। बस ज़्यादा कलर नहीं लाना है इसमें, बस थोड़ा सा कलर करना है इसमें, थोड़ा सा कलर देना है इसमें। इसके बाद जो है इसको मैं निकाल लूँगी। ये मैंने दो टमाटर पीस के रखे हैं, इसमें दो स्पून जो है भर के मैंने लहसुन अदरक का लिया है, और दो बड़े टमाटर लिए हैं वो मैंने पीस लिए हैं ना, तो ये पेस्ट भी मैं इसमें डालूँगी। ठीक है, दो स्पून भर के लहसुन अदरक और दो टमाटर बड़े ये मैंने पीस लिया है। ये देखिए प्याज का कलर जो है थोड़ा चेंज हो गया, बस हम इसको अब निकाल लेंगे। ज़्यादा लाल नहीं करना हमने। बस जैसे कि दाना मेथी कलर चेंज होगा हम उसमें मसाला डाल देंगे, क्योंकि प्याज जो है इसको हम पीस लेंगे। मैंने दाना मेथी डाल दिए इसमें, बहुत अच्छी बहन है, बहुत प्यारी बहन है, उन्होंने फरमाइश की थी कि आप हमें मछली बनाना सिखाएं, तो मैं उनकी फरमाइश से ये बना रही हूँ। और मेरी और बहन भी अगर कोई फरमाइश करना चाहें तो बता दें, तो मैं उनका नाम लेके उनकी फरमाइश पूरी कर दूँगी। डालता कर दिया हमने, ये देखें मैं जो मैंने मसाला सीखा था
मैंने इतना डाल दिया। ये मैंने टमाटर, दो बड़े टमाटर और दो लहसुन अदरक के स्पून लिए थे, तो वो मैंने ये इसमें डाल दिया। इसमें थोड़ी मिर्ची डालूंगी, देखें मिर्ची वगैरह आप अपने हिसाब से डाल लें जितनी आपको पसंद है, तेज ज्यादा। थोड़ी सी मैंने हल्दी डाल दी है, थोड़ा गरम मसाला पिसा हुआ धनिया मैंने डाल दिया है, एक नमक अपने हिसाब से, जो आपको मैं पिंक सॉल्ट यूज करती हूँ आप अपने हिसाब से डालें नमक। थोड़ा कड़ी पत्ता है ये भी मैं डाल देती हूँ, इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है। ये मैंने आधी कटोरी दही फेंट के रखा हुआ है, ये ठीक योगर्ट है, इसको फेंट लें ताकि इसकी गुठलियाँ खत्म हो जाएं, इसको अच्छे से फेंट के और हम ये भी डाल देंगे इसमें। खटास के लिए हमने दही और टमाटर दोनों का इस्तेमाल किया है क्योंकि मछली में खटास अच्छी लगती है। अब हम इसकी अच्छी सी भुनाई करेंगे, बहुत अच्छी सी भुनाई, इस मसाले का जो है दाना बन जाए, अच्छे से इसका दाना बनना ज़रूरी है। जब तक मसाला अच्छा नहीं भुनेगा मछली में कोई जायका नहीं आएगा, तो उसके लिए ये है कि मसाले को बहुत अच्छे से भुने, दाना बन जाए, फिर उसके बाद हम मछली डाल के उसको रेडी करेंगे। अभी आप देख रहे हैं मसाला कैसा है, थोड़ी देर के लिए पकने के लिए छोड़ दूंगी, जो भी मैंने मसाले वगैरह डालें ताकि अच्छे से पक जाए, लहसुन अदरक का कच्चापन निकल जाए। उसके बाद जब मैं ये भुनने लगेगा फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि क्या लुक आ रही है इसकी ना। ये देखें नाजरी, मसाला भून के हमें 15 मिनट लग गए होंगे, इसको मसाला भी अच्छे से भून गया है, दाना देखें आप, दाना बन गया, आराम से छोड़ दिया मसाले में। मसाला और जो है ऑयल है सेपरेट हो गए हैं और बहुत अच्छे से भून गए हैं। मछली की खासियत ये होती है कि इसका मसाला बहुत अच्छे से भुना जाए ताकि कोई कच्चा पन ना रहे। मैंने इसमें थोड़ा पानी डाला है, इसको बहुत अच्छे से भूना है। आप देख सकते हैं कि मैं राइस उबाल रही हूँ, इसके साथ सिंपल राइस जाएंगे। बस अब मैं इसमें मछली डालूंगी। ये मैंने आपको मछली दिखाई थी, ये मैं इसमें डालूंगी, ये पीस करके मछली को बाकी एहतियात से डालेंगे। पैम्पिना है, थोड़ा मसाले के साथ इसको भून लूँगी अभी, ताकि फिर बाद में इसको ये के फिर मैं इसमें चम्मच नहीं हिलाऊँगी, अभी चम्मच चला रही हूँ, फिर मैं मछली में चम्मच नहीं लगाऊँगी बाद में। मसाले के साथ मैं इसको अच्छे से
जब भी बनाए आप तो पतीला थोड़ा बड़ा लेना, ताकि ये कि मछली के पीस टूटे नहीं। मसाला अच्छे से इसको लग रहा है मछली को, बहुत मज़े की मछली होती है, बहुत अच्छा टेस्ट होता है इसका। मेरे बच्चे यही वाली मछली पसंद करते हैं, इसमें कांटे भी ज़्यादा नहीं होते हैं, बस बीच में एक कांटा होता है, ज़्यादा इसमें कांटे नहीं होते। मछली वाले ने हमें फोन नंबर पे काट के दिए, हमने उसको कहा था कि ये हमें फोन नंबर पे काट के दे, तो ये हमारे फोन नंबर पे काट के, तो इस तरह के पीस कटे। अच्छे से मिक्स कर दिया मसाला, ये अब मसाले के साथ अच्छे से तैयार हो गई। अब मैं इसमें पानी डालूंगी, थोड़े मसाले के साथ भी पकेगी। मैंने इसमें थोड़ा गर्म पानी डाला है, मैं इसे चम्मच नहीं चलाऊंगी इसमें, बस मैं इसको ऐसे ही जो है हिला हिला के, मैं इसके साथ हिला भी रहूँगी मसाले के साथ, तो ये टूट जाएगी ना। आप देख रहे हैं चावल बन रहे हैं, इधर राइस बन रहे होंगे, बस अभी तकरीबन 5 मिनट पकेगी फिर ये रेडी है ना, तो मैं आपको भी फाइनल लुक दिखाऊंगी। ठीक है, फाइनल हो गया उसको रेडी है, अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।